हमारे भजनों को एवं लंगुरियों को सुनने वाले सभी चेतन जीव ध्यान करें। हमारे जो भी भजन लंगुरिया तुम्हारे पास तक आ रहे हैं वो सबसे हटकर मिलेंगे, और हमारे लंगुरिया जिस घर में बचेंगे लंगुरियों की बाहर है तो उस घर का कष्ट तो कटेगा ही, दूत भूत काल कपाल महाकाल भी किनारा करेगा और घर में सुख शांति प्रदान होगी, क्योंकि इन लंगुरियों में परम सत्य छुपा हुआ है। जब सेतु का निर्माण नहीं हुआ तो हनुमान जी रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या हनुमत के न लगे रघुवर से गुरु को सुमिरो लंगुरिया, हनुमत के न लगे रघुवर से गुरु को सुमिरो लंगुरिया, हनुमत के न लगे रघुवर से गुरु को सुमिरो लंगुरिया, और कहते हनुमान जी भगवान श्री राम आप मेरी बात सुनिए, सौ सौ योजन लाभो समुर पुल बनवे को नाय, सौ सौ योजन लम्बो समुर पुल बनवे को नाय, सौ सौ योजन लम्बो समुर पुल बनवे की
चादर बिछा ली और क्या करते हैं, सुन के बात उठे रघुराई, चादर लिए बिछाए बैठती रसम दूर की, रघुवर गुर को रहे मनाए, हाँ बैठती रसम दूर की, रघुवर गुर को रहे मनाए, ध्यान कछु जब राम ने सुमरन किया है तो एंड की पंक्ति में कहा है, ध्यान देना, आ सुमरन कर नहीं राम चंद्र के मुनिंद्र मुनि गुरु आए, सुमरत कर नहीं राम चंद्र के मुनिंद्र गुरु गए आए। जब रामचंद्र जी ने परमात्मा सत्य पुरुष मुनिंद्र मुनि नाम साहब का ध्यान किया तो प्रकट होते हैं, सुमिरन कर दही राम चंद्र के मुनिंद्र मुनि गया है, और शांति नाम की रेखा खेच के पत्थर दयो बहाए, और शांति नाम की रेखा खेच के पत्थर दयो बहाए, हाल जबान चिदयो अनुमत के न लगे रघुवर से गुरु को सुमिरौला गुरिया, अनुमत के न लगे रघुवर से गुरु को सुमिरौला गुरिया, अनुमत के न लगे रघुवर।